हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन का थ्योरम सीरीज देख रहे थे और यहाँ पर हम लोग नए फॉर्मूले में आ गए जिसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। ओके, तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का प्रूफ हम भी हम लोग देखने वाले हैं। और आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए सॉल्व करने के लिए कोई भी इंटीग्रेशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला प्रूफ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रूफ होगा। तो जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया था उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS, LHS, तो LHS क्या है यहाँ पर cosec x इंटीग्रेशन dx। ओके, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, जो भी चीज दिया होता है उसको हमें पुट करना पड़ता है। cosec x को पुट किए t, ओके, तो cosec x को t पुट किए। अभी पुट करने के बाद क्या करना पड़ता है हमें, डेरिवेटिव। तो cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cot x इंटू cosec x, ओके, इक्वल टू dt बाय dx, ये होता है हमारा। ओके, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cot x इंटू cosec x, t का डेरिवेटिव होता है dt बाय dx। और मैं क्या करूंगा, अभी dx को इस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा और बाकी लोग को उस तरफ ट्रांसफर कर दूंगा। ओके, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर है सिर्फ उतने लोग को यहाँ पर रखना है। तो cosec x को मैंने क्या किया, यहीं पर रखा और dx को मैंने इस तरफ ले लिया और dt को यहीं पर रखा और cot को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ओके, और माइनस जो था माइनस को भी मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली इक्वल टू, देखो इक्वल टू मैंने लिखा, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, cosec x dx के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, cosec x dx के जगह पे लिख सकता हूँ मैं माइनस dt cos, माइनस dt cot x। ओके, मैंने कभी भी आपको बोला है कि अगर यहाँ पर dt है तो सारे टर्म यहाँ पर t के टर्म में होने चाहिए, अगर यहाँ पर dx है तो सारे टर्म x के टर्म में होने चाहिए, तो यहाँ पर dt है तो सारे टर्म t के टर्म में होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है यहाँ पर आपको पता होगा कि 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर x होता है। ओके, तो मैंने अगर cot x स्क्वायर x को यहीं पर रखा और cosec स्क्वायर x को भी यहीं पर रखा और 1 को वहां पर भेज दिया तो माइनस 1 हो जाएगा। ओके, और फिर cot x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट cosec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। ओके, cot x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट cosec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया मैंने। ओके, तो cot x के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dt डिवाइड बाय, cot x के जगह मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट cosec स्क्वायर x माइनस 1, और मुझे पता है कि cosec का वैल्यू क्या होता है t, cosec का वैल्यू क्या होता है t, तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा इंटीग्रेशन माइनस dt डिवाइड बाय अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1। ओके, इतना हो गया अपना आंसर, तो इतना हो गया। तो अभी ये फॉर्मूला एक दिख रहा है मुझे, तो ये माइनस को अगर मैं बाहर लिख दूँ, ओके, तो माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, इतना कर दिया माइनस को भी बाहर लिख दिया। ओके, तो ये फॉर्मूला है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और वन है तो वन का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, वन को वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन में जो आपको याद भी रखना है और उसका प्रूफ भी आज हम लोग आगे देखने वाले हैं, अभी आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले इसका भी प्रूफ देखने वाले हैं, और ये आपको याद भी रखना पड़ेगा फॉर्मूला की ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो आपको फॉर्मूले भी याद रखने, तो ये सेम फॉर्मूला दिख रहा है मुझे। ओके, सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी मैं माइनस को ऐसे ही लिखा, माइनस बात नहीं लगाना है, और आंसर आ जाएगा यहाँ पर लॉग log x, x के जगह पे क्या यहाँ पर t है, t प्लस अंडर रूट x के जगह पे यहाँ पर t है और a के जगह पे यहाँ पर 1 है, 1 हो गया प्लस t। ओके, तो ये अपना आंसर हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग को t का वैल्यू वापस से पुट करना पड़ेगा, जो भी हमने पुट किया था यहाँ पर, t का वैल्यू क्या था, cosec x था, तो यहाँ पर cosec x हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो माइनस log यहाँ पर आ जाएगा cosec x प्लस अंडर रूट यहाँ पर आएगा t के जगह पे cosec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस c, और हमें पता है कि cosec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है, cosec स्क्वायर x माइनस 1 रूट में क्या होता है, cot x होता है, तो यहाँ पर मैं cot x लिख सकता हूँ। ओके, तो माइनस log cosec x माइनस प्लस cot x प्लस c। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया।
तो हमारा आंसर इतना आ गया माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉटेक्स, लेकिन मुझे प्रूफ करना था कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स प्रूफ करना था। ओके तो एक नया फॉर्मूला बन गया इसका, तीसरा फॉर्मूला, ये भी होता है आपको याद रखना है। ओके तो कोसेक एक्स का फॉर्मूला एक और होता है माइनस लॉग, क्या दिया है यहाँ पर कोसेक एक्स, तो अगर आपको फॉर्मूला याद करना तो ये भी एक फॉर्मूला याद कर लेना। ओके कि प्लस होगा बीच में तो सिर्फ बाहर माइनस आएगा। ओके तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इससे ही अभी ये दोनों को प्रूफ करते हैं ये दोनों। ओके तो इतना मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, आप कॉपी कर लीजिए ये वाला पार्ट। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है कि माइनस मैंने लिखा लॉग लिखा। ओके और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोसेक एक्स, वही पार्ट वापस से लिखता हूँ यहाँ पर जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस सी। ओके तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ ये वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ये वाले पार्ट को, और यहीं पर बाद में पुट कर दूंगा। ओके तो ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग, माइनस लॉग ये वाले पार्ट को सिर्फ सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कोसेक एक्स क्या होता है वन बाय साइन एक्स होता है, और आपको पता है कॉटेक्स क्या होता है कॉस बाय साइन होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लस सी, और यहाँ पर लिखा मैंने लॉग माइनस लॉग, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या ऊपर हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ऊपर के पार्ट न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में एक बार आ जाएगा साइन एक्स। ओके प्लस सी, वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है फॉर्मूला एक, आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करना है तो। तो वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। ओके वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, और साइन एक्स कहीं पर भी दिखता है तो साइन एक्स में साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगता है, साइन टू थीटा क्या होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके साइन टू थीटा क्या होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर टू डिवाइड करना पड़ेगा एंगल में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है इसके बारे में। ओके तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर दो बार कॉस है यहाँ पर एक बार कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग, और कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट एक्स बाय टू आ गया। ओके प्लस सी, तो एक और फॉर्मूला बन गया मेरा कोसेक एक्स का, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये भी फॉर्मूला होता है कोसेक एक्स का। ओके तो मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ माइनस लॉग, तो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे बन गए तो आपको सारे फॉर्मूले याद भी रखना पड़ेगा। ओके कॉट एक्स बाय टू प्लस ये भी एक फॉर्मूला होता है। ओके तो अभी इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, काफी बड़ा हो रहा है ये, हम ये रफ करते हैं हम लोग। तो अभी आपको पता है कि जो माइनस वन है लॉग के आगे ये ऊपर चला जाता है यहाँ पर। ओके लॉग के हिसाब से फॉर्मूले में क्या होता है, लॉग लिखा मैंने, और जो कॉट एक्स बाय टू है कॉट एक्स बाय टू इसके ऊपर माइनस वन आ जाएगा प्लस सी, लॉग के फॉर्मूले के हिसाब से जो भी आगे होता है लॉग के वो पावर में चला जाता है, जो भी आगे होता है लॉग के। ओके तो उसके पावर में चला जाता है, तो यहाँ पर पावर में आ गया, और आपको पता है कि लॉग इनवर्स होता है तो उसको मैं वन अपॉन कॉट लिख सकता हूँ। ओके मतलब जो भी माइनस वन होता है तो उसको मैं नीचे भेज के प्लस में कर सकता हूँ, तो मैंने वन अपॉन में लिख दिया तो प्लस में हो गया। ओके तो वन बाय कॉट क्या होता है टेन होता है, आपको पता है वन बाय कॉट क्या होता है टेन होता है, तो मैंने लिख दिया टेन एक्स बाय टू, वन बाय कॉट क्या होता है टेन होता है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया, लेकिन अभी भी एक बचा है अपना, ये वाला पार्ट बचा है प्रूफ करने के लिए। ओके तो ये वाला पार्ट बचा है, तो ये वाला पार्ट प्रूफ हो नहीं रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे थोड़ा कुछ इसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, सोचेंगे कि किस तरह से प्रूफ हो जाए। ओके तो मैं अगर करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ये वाले पार्ट को सॉल्व करूँ, और ये वाले पार्ट को सॉल्व करने पे अगर मेरा ये टर्म आ जाता है तो मतलब प्रूफ हो गया ना। ओके अगर ये वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ और मैं टेन एक्स बाय टू लेके आ जाता हूँ तो सॉल्व हो गया हूँ। ओके तो हम लोग यही करते हैं, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, और इसको मैं क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ और टेन एक्स बाय टू लेके आता हूँ। ओके तो मैं रफ कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, तो काफी लंबा हो गया है वीडियो क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। ओके तो मैं क्या करता हूँ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को सॉल्व करता हूँ और टेन एक्स बाय टू लिख जाता हूँ बस अलग से। ओके तो आपको पता है कि वन कोसेक एक्स क्या होता है वन बाय साइन एक्स होता है, और कॉट एक्स क्या होता है आपको पता है कि कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है, और अभी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के टर्म डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वन माइनस, और नीचे साइन एक्स आ जाएगा,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 प्लस cos x क्या होता है, 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x by 2 होता है, उसी तरफ 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x by 2 होता है। ये आपको फॉर्मूला सारे याद करने ही पड़ेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं आप याद करोगे तो ही इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, तो 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x by 2 और डिवाइड बाय sin x है, तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x by 2 into cos x by 2, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2 sin है, यहाँ पर 1 sin, 1 sin से 1 sin कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चा क्या sin by सिर्फ cos बचा, sin by cos क्या होता है 10 x by 2 होता है। ओके, sin by cos क्या होता है 10 होता है, तो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो ये दोनों इक्वल होता है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि भाई मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसके जगह पे ये टर्म लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं लिख दूंगा log, यहाँ पर लिख दूंगा cosec x माइनस cot x, तो इस तरह से मैं प्रूफ कर दिया। कि आप किस तरह से भी प्रूफ कर सकते हो, कुछ उसमें आपको रोक टोक नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी करके प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो अपना मेथड से हम लोग ने सॉल्व कर लिया इसको। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे और भी फॉर्मूले प्रूफ जो हमारे सब बचे हैं।